हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे दोस्तों, और मेरे तरफ से आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी जल्दी जल्दी से ये सब्ज़ी बना रही थी क्योंकि बच्चों को मैं टिफ़िन डालूँगी सब्ज़ी, तो रोटी सब्जी मैं दूँगी अभी अंशु को और अभिराज को दे दूँगी सोस रोटी या तो फिर गुड़ रोटी, और मैं उनके लिए रोटी बना ली थी पहले ही क्योंकि अभी वो रोटी खा रहे थे चाय रोटी, तो हम साथ में टिफ़िन के लिए भी बना लिए हैं रोटी। तो सब्जी भी हो चुका था, जैसे कि पत्ता गोभी और आलू की सब्ज़ी मैं बना रही थी, तो ये जल्दी बन जाता है इसलिए मैं सोची कि आज टिफ़िन में सब्जी ही डाल देंगे अंशु को। तो सिर्फ अभी मसाला भुनेंगे, उसके बाद मैं उबाल के रख ली थी पहले से ही, तो वो डाल दूँगी। तो चलिए अभी हम इसे अच्छे तरह से भून लेंगे। तो ये पत्ता गोभी की सब्ज़ी हम ऐसे उबाल के बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बिल्कुल हरापन सा नहीं लगता है ये सब्ज़ी, और ऐसे में सब खा भी जाते हैं, और कच्चा वाला बनाते हैं तो कोई भी नहीं खाते हैं। तो ये देखिए अभी हम इसे मिला लेंगे अच्छे से, और पानी सूखने तक हम इसे भून लेंगे बढ़िया से। तो मैं आज बिल्कुल थोड़ा सा खाना बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि आज हमें कहीं जाना है। और ये देखिए बच्चे जा रहे हैं क्योंकि अब इनका टाइम हो गया है, तो टाइम होने से 10 मिनट पहले मैं पहुँचा देती हूँ इनको। और ये देखिए इतना सारा फूलगोभी है, तो चलिए अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि मैं इसे क्या करूँगी। तो मैं सबको पीस पीस काट के और गर्म पानी में उबाल ले रही थी, और हल्दी डाल के उबाल रहे थे फ्रेंड्स। ये देखिए ये उबल चुका है, अब हम इसे ना सूप में या तो आप किसी भी चीज़ में निकाल के रख सकते हो, तो मैं इसे सूप में निकाल के रख लूँगी पानी झड़ने तक। ये देखिए तो ये जितना डूबा हुआ था उतना पीला हो गया है, बाकी ये वाइट वाइट है। तो चलिए अभी हम इसे निकाल लेंगे। तो देखिए इस तरह से हम निकाल लिए हैं सूप में, और ये बहुत कम हो गया, ये देखिए। तो जब हम इसे धूप में रखे थे फ्रेंड्स, तो इसका कलर जो है पूरा उड़ चुका था। मैं सोची हर बिल्कुल पीला पीला कलर सा रहेगा, लेकिन ये पीला कलर नहीं रहा, ये देखिए। मैं धूप में ले आई हूँ इसे, ये बिल्कुल धूप में इसको सुखाना है 2-3 दिन तक। ये देखिए तो अभी हम इसे दिन भर धूप में छोड़ देंगे, इस तरह से फैला के छोड़ दी थी देखिए। और अभी मैं नीचे आ गई हूँ और सारा काम ख़त्म हो गया, नहा धो के सारा चीज़ कर ली थी, अभी टाइम है नाश्ता करने का। तो चलिए मैं मिलती हूँ बाद में आप लोगों से। और बाद करते फ्रेंड्स, देखिए कितना टाइम हो गया, ये बिल्कुल 5 बज रहे थे, और हम लोग अभी जा रहे हैं। जो मैं बताई थी आप लोगों को कि हमारे गोतिया में किन्हीं का डेट हुआ था, तो वो दादाजी थे और उन्हीं का आज बरहवा है, जो ब्राह्मण भोज जो होता है वो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गोतिया के घर। तो चलिए रास्ते में ये देखिए कितना हरा हरा खेत लग रहा है इनका, और इधर सूरज जो है डूब रहा है, और इधर आकांक्षा भी हैं, दीदी इसिका, आयुष, अंशु, अभिराज, हम लोग सब लोग जा रहे हैं। तो मेरी सास और ससुर जी वहीं पे हैं, वो लोग सुबह से ही गए हुए हैं क्योंकि आज के दिन पूजा वगैरह होता है, तो वो लोग सुबह से वहीं पर हैं। तो अभी हम लोग शाम में जा रहे हैं, और ये हमारे घर के पास का मंदिर है, और इधर देखिए, और ये इधर मतलब पहली बार आ रहे हैं, जैसे कि ये पहले खेत टाइप में था लेकिन अब इधर घर वगैरह बन चुका है, तो मैं भी पहली बार देख रही हूँ। ये देखिए तो हम लोग भी चौंक गए थे कि इधर तो खेत हुआ करता था, पर अब ये रास्ता बन चुका है, और ये हमारे घर के पास का ग्राउंड है फ्रेंड्स। तो हम लोग पहले यहाँ पे आया करते थे सुबह के टाइम में, और अभी चलिए दिखाती हूँ मैं ये स्कूल। तो ये स्कूल है, मैं बाहर से क्लिप ले रही थी,
तो यहीं पे मेरे हस्बैंड, मेरी ननद, ये लोग यहीं पे पढ़े थे। तो अभी हम लोग देखते देखते जा रहे हैं। और ये देखिए इधर जंगल टाइप का दिखा रहे थे, तो वो थोड़ा दूर में है, तो मैं वहाँ कभी आप लोगों को ले जाऊँगी। और ये लहसुन का पौधा लगा हुआ है, लहसुन है, फूल गोभी और बीट रूट, ये तीनों लगा हुआ था। तो चलिए अभी हमें जहाँ आना था हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। चलिए अभी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये रास्ते में ही घर था इनका, बस जस्ट आगे। तो अभी हम लोग बाहर में खड़े हुए थे, तो टेबल खाली था, तो हम लोग आ गए हैं अंदर। और यहाँ पे देखिए ये परोसा जा रहा खाना, तो ये प्रसाद के रूप में भी दिया जा रहा है, ये देखिए। तो आज के दिन पहले ब्राह्मण लोग खाते हैं, उसके बाद हम लोग खाते हैं। तो देखिए अभी हमें भी मिल रहा है इधर खाना। और अभी राज बैठा हुआ है, तो मैं उनको बता रही थी कि इनका प्लेट में सब्जी नहीं डालिएगा, तो वो हंस रहे थे कि ये सब्जी नहीं खा रहा है। और उसके बाद हम लोग खाना खा के फ्रेंड्स इधर बाहर आ गए हैं। तो यहाँ देखिए घर के जस्ट बगल में, मतलब रोड है बीच में और उसके बगल में था। तो देखिए अभी शाम हो गया है मंदिर, और अभी हम लोग घर निकलेंगे। तो यहाँ पे जो गेस्ट लोग आए हुए थे वो लोग बैठे हुए हैं, और उसके बाद अभी हम लोग घर निकलेंगे फ्रेंड्स। और इतना ज़्यादा भीड़ था कि मैं वीडियो ले ही नहीं पा रही थी। देखिए बाहर से पंडाल बनाया हुआ था। तो अभी हम लोग घर चल रहे हैं, और घर आ गए हैं फ्रेंड्स। और दीदी लोग अपने घर चले गए हैं, और अभी अंशु को मैं सोने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ फ्रेंड्स। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। मैं फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।